अभी नेक्स्ट हम देखो, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, तो एक कार्ड निकाला गया 52 में से। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर। देखो, जब हमने किंग ऑफ रेड कलर लेना है तो टोटल कार्ड्स हैं 52, ठीक है। अब इसमें किंग ऑफ रेड कलर, रेड कलर के किंग कितने होते हैं? आपको पता है कि जो रेड कलर हैं वो दो होते हैं, ये मैंने आपको कल बताया था। तो इसका मतलब किंग जो हैं वो टू हो गए, ठीक है। तो फिर आपने लिखना है प्रोबेबिलिटी किंग ऑफ रेड कलर इज इक्वल टू 2/52। अब ये आपने जो है यहाँ पे ऐसे लिखना है, ये 2 और नीचे 52, ये बन जाएगा। जब हम 2 को 52 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 1/26, ये प्रोबेबिलिटी आ गई। ये आपने यहाँ पे लिख देनी है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी जो किंग की होगी रेड कलर की वो 1/26 होगी। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर निकल गया। अब सेकंड पार्ट में हम फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। देखो, जब हमने फेस कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो टोटल कार्ड तो 52 है ना, ठीक है। उसमें फेस कार्ड कितने होते हैं? फेस कार्ड्स देखो, जैक, क्वीन और किंग, ये तीन फेस कार्ड है हर सूट के, ठीक है। और चार सूट होते हैं, इसका मतलब 12 फेस कार्ड हो गए। एक सूट के तीन फेस कार्ड और चार फेस सूट होते हैं, तो 12 जो हैं वो फेस कार्ड हो गए हमारे पास। तो प्रोबेबिलिटी बन जाएगी 12/52। आपने लिखना है फिर प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू, यहां पे प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट में लिख देना है फेस कार्ड इज इक्वल टू 12/52। यहां पे 12 आ जाना है, 12/52, ठीक है। अगर हम 12 को काटते हैं तो इस 2 के टेबल से 6/26, फिर अगर हम 2 के टेबल से काटते हैं तो यहां पे बन जाएगा 3/13, तो ये आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपने कैंसिल करके लिख देना आंसर यहां पे। लग गया पता, ये फेस कार्ड की प्रॉपर्टी बन गई 3/13। थर्ड पार्ट है रेड फेस कार्ड। रेड फेस, देखो टोटल जो फेस कार्ड हैं वो हैं 12, और अब रेड फेस कार्ड देखो ध्यान से, यहां पे आपने सी पार्ट लिख देना है। टोटल फेस कार्ड, टोटल कार्ड 12, तो रेड फेस कार्ड्स, रेड जो हैं वो दो टाइप के सूट होते हैं, ठीक है ना। मैंने आपको कल ही बताया था कि इससे पहले जो वीडियो है कि हार्ट और डायमंड जो हैं वो रेड होते हैं, क्लब और स्पेड जो हैं वो ब्लैक होते हैं। तो जो रेड हैं वो टू सूट हो गए, इसका मतलब इसके बन गए 6। तो अब हम यहां पे लिखेंगे 6/52, 12/52 की जगह 6/52। 6 को जब 2 के टेबल से काटेंगे 3, और यहां पर 26, ये आगे नहीं करते, तो यही आंसर आ जाएगा 3/26, ठीक है। यहां पे आपने लिख देना है रेड फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी, रेड फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी बन गई 3/26। फोर्थ पार्ट है द क्वीन ऑफ डायमंड्स। देखो, अब यहां पे डी पार्ट है, टोटल कार्ड 52, क्वीन ऑफ डायमंड्स
डायमंड्स की क्वीन कितनी होती है? डायमंड की क्वीन तो वन ही होती है ना, ठीक है? तो प्रोबेबिलिटी बन जाएगी क्वीन ऑफ डायमंड्स, उसकी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी 1/52। तो यहां पे आपने लिख देना है 1/52 बस जी। क्वीन डायमंड्स की क्वीन जो है वो वन है, हार्ट की क्वीन वन है, ठीक है, क्लब की क्वीन वन है, स्पेड की क्वीन वन है, टोटल क्वींस फोर होती हैं। तो इस तरह ये आपने सम करना है, ठीक है। पहले किंग ऑफ रेड कलर की प्रोबेबिलिटी निकाल लेनी है, फिर फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी निकाल लेनी है, फिर रेड फेस कार्ड की निकाल लेनी है, फिर क्वीन ऑफ डायमंड की निकाल लेनी है, ठीक है। ये ऐसा सम हो गया।